कंठ लगाए अपने चंद्रा
प्यारा गुरपुरा एक बड़वा गुरपुरा एक बड़वा गी मने बया परगासा मने भया परगासा गुरपुरा एक बड़वागी गुरपुरा एक बड़वागी गुरपुरा एक बड़वा वड़ी वड़ियाई अचरज सोबा कारज आया रासे वड़ी अचरज सोबा कारज आया रासे नानक को गुर पूरा भेटियो वड़ी 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 आई अचरज सोबा सोबा सोभा सोबा वड़ी वड़ी आई अचरज सोबा कारज आया रासे नानक का नानक को गुरपुरा भेटियो गुरपुरा भेटियो सगले दुख विनासे नानक को गुरे पूरा भेटियो सगले दुख विनासे ओ सगले दुख विनासे गुर पूरा भेटियो बड़वा गुरपुरा एक बड़वागी गुरपुरा एक बड़वागी मने भया परगासा मने भया परगासा गुरपुरा एक बड़वा गुरपुरा एक बड़वागी गुरपुरा एक बड़वागी गुरपुरा एक बड़वागी एक बड़वागी एक बड़वागी
समझें। पहली बात, हजारों लोग संसार में हैं, उनमें यदा कदा किसी एक दो के मन में धर्म की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अधिकांश लोग संसार की चीजों में ही व्यस्त हैं। परमात्मा की खोज करनी है, आत्मज्ञान हासिल करना है, भीतर शांति और आनंद पाना है, जाए तो जाएगी, दुकान और थोड़ा ठीक से चलने लगे तो आनंद हो जाएगा, घर परिवार और अच्छे से बस जाए, बस सुखी सुख हो जाएगा। वो तो बड़ी माया और भ्रम में जी रहे हैं। इसलिए हजारों हजारों में कोई एक दो लोग होते हैं जिनके भीतर वास्तविक अध्यात्म की प्यास उत्पन्न होती है। पहली कठिनाई। दूसरी कठिनाई, जब जिज्ञासा पैदा होती है, खोज शुरू होती है, तो हमारे चारों तरफ जो चल रहा है समाज में, हम उसे देखते हैं। छोटा बच्चा देख देख कर ही सीखता है। वो अपने आसपास देखता है कि जिन्हें धर्म की जिज्ञासा है वे मंदिर जाते, मस्जिद जाते, चर्च और गुरुद्वारा जाते, तीर्थ स्थान पर जाते, गंगा स्नान करते। ये स्थूल बातें छोटे बच्चे को समझ में आती हैं। जितनी कम बुद्धि हो उतनी स्थूल बात, मोटी बात पकड़ में आती है, सूक्ष्म बात समझ में ही नहीं आती। तो धर्म की जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो सबसे पहले यही लगता है कि चलो मंदिर मस्जिद के, चलो तीर्थ करने, चलो हज करने। यही सबसे स्थूल उपाय नज़र आता है कि शायद इस विधि परमात्मा में रहें कहेगा, किसी मंदिर में, मठ में, आश्रम में मौजूद होगा। निश्चित रूप से पहली में ही हम पढ़ाई, फिर जब से उत्तीर्ण हो गए तो फिर प्राइमरी स्कूल, फिर वहाँ से निकले मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल। स्वभाव होता है हर स्कूल में कुछ लोग छूटते जाएंगे, थोड़े से लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग हाई स्कूल से आगे जाएंगे, कॉलेज ग्रेजुएशन करेंगे, कुछ और आगे जाएंगे यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, कुछ और आगे जाएंगे डॉक्टरेट करेंगे। गिनती कम से कम और कम और कम होती चली जाएगी। अगर प्राइमरी स्कूल में 10,000 बच्चे हैं तो शायद 10 बच्चे बड़े होकर डॉक्टरेट तक पहुंच पाएंगे। बस 9,990 रास्ते में कहीं छूट जाएंगे। जब साधारण शिक्षा इतनी मुश्किल है तो अध्यात्म की सूक्ष्म शिक्षा तो और भी मुश्किल। तो पहली क्लास, केजी क्लास, वो है स्थूल, मूर्ति पूजा, मंदिर मस्जिद, तीर्थ स्थान, हज, गंगा स्नान इत्यादि इत्यादि। हर धर्म में अलग अलग स्थूल बातें हैं, उनको पूरा करके लगता है कि धर्म पूरा हो गया। जो व्यक्ति इसको करता है और समझदार है, बुद्धिमान है, धीरे धीरे उसको अनुभव में आता है कुछ बन तो हो गए, लेकिन बस अटक गए, पूरी बात हो नहीं रही। वो शांति और आनंद का खजाना जो मिलना चाहिए, जो ब्रह्म ज्ञान हासिल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा, फिर क्या करे। तो थोड़े से बुद्धिमान लोग हैं जो मूर्ति पूजा से और मंदिर मस्जिद से मुक्त होकर फिर दूसरे चरण में पहुंचेंगे, ग्रंथ, शास्त्र, सिद्धांत, अध्ययन, मनन, स्वाध्याय, तर्क वितर्क। ये जरा सूक्ष्म बात है। थोड़े से ही लोग इसमें रस लेंगे, ये बुद्धिमान लोग हैं, कम से कम ये केजी पास हुए, प्राइमरी स्कूल में आए। जो लोग इसमें कई साल लगा देंगे, एक दिन उन्हें समझ में आएगा कि कितना ही शास्त्र पढ़ लो, चाहे ग्रंथ पूरा रट ही लो,
कितनी ही फिलोसॉफिकल बातें सुन लो, समझ लो, विवाद कर लो, कितना ही सोच विचार कर लो, कुछ होने वाला नहीं। गुरु नानक देव जी ने कहा ना, सोचे सोच न हो गई, जो सोचे लखवार। इससे भी कुछ हो नहीं रहा, बात बन नहीं रही। पाक शास्त्र के कहीं भूख मिटती, कुकिंग बुक की रेसिपी लिखी है, हम कंठस्थ भी कर लें, सब याद कर लें, फिर भी हमारी भूख तो रहेगी। सूरज की पेंटिंग बहुत सुंदर किसी बहुत कलाकार ने बनाई, करोड़ों रुपये कीमत सूर्योदय की पेंटिंग की, लेकिन क्या उससे हमारे घर में प्रकाश हो जाएगा? आप रात को अपने अंधेरे कमरे में करोड़ों रुपये की सूरज की पेंटिंग रख लें, घर में रोशनी नहीं ज़्यादा चमकती। ये करोड़ की पेंटिंग किसी काम की नहीं, लेकिन ये भी उसी को समझ में आएगा जिसने इस दिशा में मेहनत की है। तो हजारों में से कोई एक धर्म का जिज्ञासु, उन सैकड़ों जिज्ञासुओं में से अधिकांश तो मंदिर मस्जिद तीर्थ स्थान में अटक जाएंगे, वो उसी को सब कुछ समझ लेंगे। उन हजारों में से कोई एकाध शास्त्र ग्रंथ स्वाध्याय चिंतन मनन सोच विचार इसमें जाएगा, इनमें से हजारों को समझ में आएगी बात कि सोचे सोच ना हो गई, ये सोची लखवार। ये बात भी काम नहीं आ रही। जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, उस अज्ञात प्रभु के बारे में हम क्या सोचेंगे? हमारा सोच विचार हमें वहां तक नहीं ले जा सकता। लेकिन जब सोच विचार करोगे तब पता चलेगा, सालों साल गंवा के पता चलेगा। इसने किया ही नहीं है, उस शायद ऐसा करने से हो जाएगा। जब तुम मेहनत करोगे तब पता चलेगा कि फल तो कुछ आया नहीं, तब अगली क्लास में व्यक्ति पहुंचता है। मूर्ति पूजा भी गई, शास्त्र और सिद्धांत भी गए, अब वह और आगे बढ़ता है। वह सोचता है मैं स्वयं ही कुछ करूं। अब साधना शुरुआत होती है। एक बात पक्की हो गई, न मंदिर मस्जिद से मिला, न ग्रंथों से मिला, सिद्धांतों से मिला, फिलॉसफी में उलझ के दिमाग खराब जरूर होगा, सुलझा कुछ भी नहीं। अब साधना की जाए तब व्यक्ति की सोचता है, लेकिन वो खुद क्या करेगा? अज्ञानी अपने अज्ञान में जो भी करेगा वो खुद भी अज्ञान पूर्ण ही होगा। उसे ज्ञान नहीं है, यही तो मुश्किल है। समझ नहीं है, यही तो मुसीबत है। उस नासमझी में वो जो भी करेगा अपने आप, वह भी नासमझी भरा होगा, उससे भी कुछ हासिल होने वाला नहीं। लेकिन इसमें भी बहुत समय लग जाएगा, कई लोगों का पूरा जन्म बीत सकता है इसी में। कोई तपस्या कर रहा है, कोई आसन कर रहा है, कोई प्राणायाम साध रहा है, कोई व्रत उपवास कर रहा है, अपने आप कुछ करना शुरू कर। अध्यात्म की साधना इत सुगम अल नहीं है कि खुद अपने आप सम। जिंदगी की छोटी छोटी बातें तो हम अपने आप समझे। इसमें पढ़ते फिजिक्स केमिस्ट्री, तो एक टीचर की ज़रूरत पड़ी जो प्रैक्टिकली करके हमें सिखाए और बताए, तब हम जाके समझे। अपने आप तो नहीं समझ गए किताब पढ़ के। जो व्यक्ति स्वयं अपने बलबूते कुछ करने की कोशिश करता है वो भी बुरी तरह उलझता है, फिर सालों साल लगेंगे, तब जाके यह बात एक दिन क्लियर होगी कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं यह भी काम नहीं आ रहा, फिर क्या करें। कल रात्रि हम चर्चा कर रहे थे कबीर साहब के वचन की, मेरी मेरी करत है, जन्म गंवा रहे मेरी मेरी करते हुए। चौथे स्टेप पर पहुंचकर उस साधक को लगता है जिसको मैं मेरा मेरा कह रहा हूं शायद इसको छोटा करूं, संसार जो लोग कर रहे हैं उसका विपरीत करूं, तब शायद परमात्मा मिल जाए। उसका अनुभव उससे कहता है कि संसार में तुम्हें माया मोह में पड़ा रहा, मेरे मेरे की दौड़ करता रहा, ये पालूं वो पालूं, चार मुख्य दिशाएं धन पद प्रेम और ज्ञान,
इन दिशाओं में मैं लगा रहा, अब इससे उल्टा करूं, तब धर्म के चार रूप इनके ठीक विपरीत रूप प्रकट होते हैं। जो व्यक्ति धन का लोलुप था वह सोचता है शायद दान कर दूं तो बात बन जाएगी, क्योंकि धन की वजह से ही मैं उलझा। वो धन का दीवाना था, अब वो दान करने लगा, बांटने लगा, लेकिन ना तो धन पाने से परमात्मा मिलता है और ना धन छोड़ने से परमात्मा मिलता है। परमात्मा के साथ कोई सौदाबाजी थोड़ी हो सकती है कि मैंने इतने लाख रुपए दान कर दिए अब परमात्मा को मिलना ही पड़ेगा। वो किसी व्यापार का बाजार का हिस्सा नहीं है। दानी आदमी कहीं ना कहीं ईश्वर को भी खरीदने चला। संसार में उसने धन के द्वारा अन्य वस्तुएं खरीदी थीं, अब उसे लगता है कि धन ही छोड़ दो, सब त्याग दो, शायद परमात्मा मिल जाए। ऐसा करके ही पता चलेगा इससे भी प्रभु के दर्शन नहीं होते। धन से कोई संबंध ही नहीं है परमात्मा का। वो जो व्यक्ति शक्ति का दीवाना था, पद का लोलुप था, वो अपनी शक्ति अपने ही ऊपर आजमाना शुरू कर देता है। पहले वो अपनी शक्ति के द्वारा दूसरों को दबाता था, दूसरों का शोषण करता था, दूसरों को परेशान करता था, दूसरों के ऊपर शासन करने की कोशिश करता था। अब वो पलट कर अपनी ताकत अपने ही ऊपर इस्तेमाल करने लगता है। वो स्वयं के प्रति बहुत कठोर हो जाता, काया क्लेश करने लगा, अपने शरीर को कष्ट। मधु संन्यास ने आपको देते हुए कोई सेज बैठा है, कुंभ के मेले में जाना, पूरा सर्कस वहाँ सन्यासियों का नजर आएगा। कोई शीर्षासन कर रहा है, उल्टा खड़ा है सिर केवल, कोई खड़े श्री बाबा हैं, पता चला वो पिछले 15 साल से खड़े ही हुए हैं, बैठते नहीं, लेटते नहीं, सिर्फ खड़े हैं। अपने आप को सताना शुरू कर दिया। ये वही आदमी है शक्ति का लोलुप। पहले दूसरों के ऊपर शक्ति का इस्तेमाल करता था, अब पलट कर अपने ही ऊपर कर रहा है। इसको हम कहते हैं तपस्वी। कोई उपवास कर रहा है लंबे लंबे, भूखा और प्यासा, अपने आप को सता रहा है। ये है वही सताऊ आदमी, पहले दूसरों को सताता था, अब इसने अपने आप को सताना शुरू कर दिया। इसकी हिंसा में कमी नहीं हुई। ये पहले परपीड़क था, अब आत्म पीड़क बन गया। इसकी वृत्ति वही की वही है, पीड़ा वाली। तीसरी दिशा थी प्रेम की, यश की, नाम की, प्रतिष्ठा की, अपनत्व की। वे जो लोग व्यक्तियों के पीछे भाग रहे थे, लोगों से संबंध बनाना है, घर गृहस्थी को बढ़ाना है, मित्र परिवार संपर्क फैलाने हैं ताकि मेरा नाम हो, यश हो, प्रतिष्ठा हो, वे लोग क्या करेंगे अब धर्म की सोचकर? उल्टी दिशा में, कि सबको छोड़ के ही भाग जाओ। समाज, परिवार, कुटुंब सब छोड़ दो, दूर चले जाओ कहीं एकांत में, किसी से कोई संपर्क ना रखो। पहले कह रहे थे मेरी मेरी, अब ठीक उल्टा करने लगे। जिस जिस चीज को मेरा कह रहे थे उससे दूर भागने लगे। लेकिन याद रखना, वो जो दूर भाग रहा है त्यागी तपस्वी, उसकी नजर भी है मेरे पर। स्वामी राम हुए बहुत संन्यास, विश्व में उन्होंने भ्रमण किया, अमेरिका में उनको बहुत मान मिला, वेदांत के अद्भुत ज्ञानी थे, बहुत सुंदर व्याख्यान करते थे, अमेरिका में बहुत उनका प्रभाव पड़ा। जब वे वापस भारत लौटे, हिमालय में कहीं छोटी झोंपड़ी में रह रहे थे, उनके साथ उनके प्रिय मित्र सरदार पूर्ण सिंह थे, वे रहा करते थे, अमेरिका यात्रा में भी उनके संग थे। 20 साल पहले अपना घर परिवार छोड़ के चले गए थे स्वामी राम और सन्यासी हो गए थे। 20 साल के बाद हिमालय में जब वे रह रहे थे, तब एक दिन खबर आई कि उनकी पत्नी पंजाब से दूर गांव से मिलने आई है।
20 साल के बाद अपने पति की तलाश में, शायद पति समझ के नहीं, महात्मा समझ के ही आ रही हो, दर्शन करने ही आ रही हो, कि नहीं आ रही था किस खबर की पत्नी वाली है। और फिर एक दिन उन्होंने देखा खिड़की से दूर पहाड़ी पे चढ़ती हुई पत्नी दिखाई दी। उन्होंने सरदार पूर्ण सिंह से कहा कि तुम खिड़की बंद कर दो, द्वार बंद कर दो और बाहर बैठ जाओ, और पत्नी को मना कर देना मैं नहीं मिलूंगा। सरदार पूर्ण सिंह बहुत हैरान हुए, इस व्यक्ति के साथ कई सालों से थे। उन्होंने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, हजारों नर नारी आपसे मिलने आते हैं, सारी दुनिया में आप घूमे हैं, मैं आपके संग रहा हूँ, लाखों लोगों से आप मिले हैं, लाखों स्त्रियों से आप मिले हैं, आपने कभी किसी को इनकार नहीं किया, इस बेचारी स्त्री ने क्या बिगाड़ा आपका, किसके लिए आप कह रहे हैं द्वार बंद कर दो और मिलोगे नहीं। सरदार पूर्ण सिंह ने कहा अगर आप अपनी पत्नी के लिए द्वार नहीं खोलोगे और उससे नहीं मिलोगे तो क्षमा करना, आज से मैं भी आपको छोड़कर चला, क्योंकि इससे सिद्ध होता है कि आपके मन में अभी भी मेरेपन का भाव है। 20 साल हो गए पत्नी को छोड़े, अभी आपको ऐसा क्यों लगता है मेरेपन का, फिर मैं छोड़ चला, आपके भीतर अभी भी मोह अटैचमेंट है, ऊपर ऊपर से तो लगता है कि 20 साल हो गए परिवार को त्यागे, भीतर से आपने अभी भी नहीं त्यागा, अन्य स्त्रियों से आप इसके साथ अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, भिन्न व्यवहार कर रहे हैं, इसका मतलब अभी भी आप मानते हैं मेरी। स्वामी राम चौंके, उन्होंने धन्यवाद दिया पूर्ण सिंह को और कहा कि तुमने मुझे खूब चौंकाया जगाया, आज मेरे भीतर से जो आखिरी माया का बंधन था, निश्चित रूप से तुम्हारी बात सच है, कहीं ना कहीं भीतर मैं मान रहा था कि मेरी पत्नी है, अन्यथा इस महिला के साथ भिन्न व्यवहार क्यों, जैसा मैं सबके साथ मिलता हूं वैसा ही इसके साथ क्यों नहीं मिल सकता। उन्होंने पूर्ण सिंह को धन्यवाद दिया कि आज तुम मुझे झकझोरा, आज शायद तुम ना होते तो मैं चूक जाता, बड़ी गलती हो जाती, द्वार खोलो, जैसे सबका स्वागत करते हो वैसा ही उसका भी स्वागत करो, मैं मिलूंगा, जरूर मिलूंगा। तो सामान्यतः हम जहां जहां मेरापन का भाव लगा के बैठे थे, जब धर्म की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो हम उसको छोड़ के भागना शुरू कर देते हैं, तो धन वाला दानी हो जाएगा, वो समझेगा दान ही धर्म है, शक्ति का आकांक्षी तपस्वी बन जाएगा, वो समझेगा तपस्या करना धर्म है, और ये जो व्यक्तियों से मोह लगा बैठा था, प्रेम के बंधन बांध बैठा था, ये व्यक्तियों को छोड़ के भाग जाएगा और सोचेगा यह वैराग्य ही धर्म है, यह विरक्ति ही धर्म है, इसको पहले आसक्ति थी व्यक्तियों से, अब विरक्ति हो गई, ये सोचेगा यही धर्म है, नहीं यह भी धर्म नहीं है। और वो जो ज्ञान का आकांक्षी था, विचारों का दीवाना, सिद्धांतों के पीछे पागल, जब वो धर्म में उत्सुक होगा वो मूर्खतापूर्ण हरकतें करने लगेगा, ऐसे काम जो तार्किक नहीं है, और वो समझेगा कि यही बुद्धिमानी का काम, यही असली काम हुआ, बुद्धि को उसने छोड़ दिया, अब तर्क वितर्क उसने छोड़ दिए, छोड़े नहीं हैं, हम जिस चीज को छोड़ के बांध भागते हैं हम उससे बंधे होते हैं, इस बात को स्मरण रखना, जो व्यक्ति पत्नी को छोड़ के भागेगा वो पत्नी से बंधा ही रहेगा, एक सूक्ष्म धागा बंधा हुआ है, जो धन को छोड़ के भागा है उसकी नज़र धन पे ही रहेगी, पाने वाले और भागने वाले दोनों की नज़र उसी चीज पे होती है, जो धन के पीछे दीवाना है वो धन की तरफ दौड़ रहा है, और जो धन का विरोधी हो गया वो धन की विपरीत दिशा में दौड़ रहा है, लेकिन केंद्र बिंदु धन ही है,
इस बात को समझना, केंद्र बिंदु अभी भी धन ही है। जो स्त्री का दीवाना था वो स्त्री को छोड़कर भाग रहा है, केंद्र बिंदु अभी भी स्त्री ही है। तो ये चार आयाम हैं जहां हम कहते हैं मेरा मेरा, उसी में जीवन गंवाते हैं। फिर धर्म की जब जिज्ञासा उत्पन्न होती है, हम इस मेरे मेरे के विरोधी हो जाते हैं और इसे छोड़ के भागने की कोशिश करते हैं, तब भी हम इसी से बंधे रहते हैं, छूट तब भी नहीं पाते। लेकिन ऐसा करके ही पता चलता है कि अभी भी परमात्मा ना मिला। ना तो किसी स्त्री से विवाह करने से परमात्मा मिलता है और ना पत्नी को छोड़ के भाग जाने से परमात्मा मिलता है। परमात्मा का इससे कोई संबंध ही नहीं है। ये धन भी बाहर है, शक्ति और पद भी बाहर है, पति पत्नी पुत्र पिता का संबंध भी बाहर है, और यह ज्ञान विचार सिद्धांत ग्रंथ शास्त्र ये सब भी बाहर हैं। और अगर हम बुद्धि के खिलाफ हो गए, मूढ़तापूर्ण हरकतें करने लगे और उसको धर्म समझने लगे, याद रखना वो भी बाहर की ही क्रियाएं हैं, और परमात्मा है हमारे भीतर। आगे की पंक्तियों में गुरु अर्जुन देव जी उस बात को स्पष्ट करेंगे कि किस परमात्मा की बात वे कर रहे हैं। तो जब धर्म की जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो हम इन स्टेजेस से गुजरते हैं। पहला मंदिर मस्जिद मूर्ति पूजा, दूसरा ग्रंथ शास्त्र सिद्धांत फिलॉसफी चिंतन मनन, तीसरा स्वयं अपनी ही बुद्धि से कुछ क्रियाकांड करने लगे, धार्मिक क्रियाकांड। फिर इन सब की असफलता पाकर हम संसार में जो कर रहे थे उसका उल्टा करने की कोशिश करते हैं। वो जो धन पद ज्ञान प्रेम के पीछे दीवाने थे, इनके ठीक विपरीत दिशा में भागना शुरू कर देते हैं, इनको छोड़ना शुरू कर देते हैं, और हम समझते हैं दान ही धर्म है, तपस्या धर्म है, त्याग धर्म है। इसके आगे हमारी बुद्धि नहीं चलती, और यह सब करके भी पता चलता है कि परमात्मा नहीं मिला। अब सवाल उठता है क्या करें। जो जो हम समझ सकते थे, जितनी हमारी औकात थी, हम वो सब कर चुके और असफल हो गए। जिस खोज में निकले थे उसके दर्शन ना हुए। अब एक ही बात करने जैसी बचती है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें, साधु संगत में जाएं, शायद कोई मिल जाए जिसने प्रभु को जाना हो। अब उससे पूछें, उसका मार्गदर्शन लें। अपने बलबूते जो हम कर सकते थे कर चुके, समाज में जो चल रहा है प्रचलन में है वो हम कर चुके, ना हमको उससे मिला ना समाज में किसी अन्य को उससे कुछ मिला था, बस ऊपर ऊपर का ढकोसला था। अब तो सारी बात समझ में आ गई। अब एक ही उपाय बचता है कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए। अब ऐसे व्यक्ति को कहाँ खोजें। शुरुआत हो सकती है साधु संगत से, इसलिए साधु संगत की बड़ी महिमा, सत्संग की महिमा। वहाँ चलो जहाँ सत्य की चर्चा हो रही, शायद ही कह सकते हैं, पक्का तो नहीं कह सकते, कि शायद वहाँ कोई गुरु हो, वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने जाना है, प्रभु को पहचाना है। अब उसी से पूछें, वो कुछ मार्गदर्शन करे तो बात बने। फिर यहाँ भी भटकाव की संभावना है। दुनिया में हजारों हजारों जगह सत्संग चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में सत्य की चर्चा नहीं, वहाँ भी असत्य की ही चर्चा हो रही है। झूठे कहानी किस्से, माना कि बड़े मनोरंजक, मन को बहलाने वाले, अहंकार को पुष्ट करने वाले, रूढ़ी और परंपरा के समर्थन में हमारे अहंकार को पुष्ट करने वाले, किंतु सत्य वहाँ भी नहीं है। तो कई कई सत्संगों में जाकर, वहाँ पर बहुत बहुत समय लगाकर, बामुश्किल हम कहीं खोज पाएंगे कोई गुरु मिल जाए जो स्वयं अपने अनुभव के आधार पर कहता हो। शास्त्र की दुहाई देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे,
कि फलानी किताब में ऐसा ऐसा लिखा है। अब हमें ऐसे व्यक्ति की तलाश है जो कहता हो कि मैंने ऐसा जाना है, शास्त्र में क्या लिखा है इससे मतलब नहीं, जो खुद अपने बलबूते कहते हो, अपने अनुभव से कहता हो कि मैंने ऐसा स्वयं जाना है, और आओ तुम्हें जानना है तो तुम्हें भी बता सकता हूँ, वह रास्ता दिखा सकता हूँ। अब ऐसे व्यक्ति की तलाश करनी होगी। तो सत्संगों में जाते जाते, साधुओं के संग उठते बैठते, धीरे धीरे कहीं ना कहीं बात बननी शुरू होगी, अब कुछ रास्ता पकड़ में आएगा। यहाँ भी धोखाधड़ी की संभावना है, हजारों झूठे दावे करने वाले लोग भी हैं, सदा सदा रहे हैं। जहाँ असली सिक्के चलते हैं वहाँ नकली सिक्के भी चलते हैं, चलेंगे ही। जहाँ एक सदगुरु है वहाँ 100 असदगुरु हैं, झूठे दावे करने वाले लोग हैं, उनकी कोई कमी नहीं, उनकी गिनती कुछ ज़्यादा ही होती है। बाजार में सब कुछ चलता है। इस बड़ी भीड़ में से सद्गुरु को छांटना, उसमें भी बड़ा वक्त लगेगा। देखते हैं कितना कठिन है सद्गुरु तक पहुंचना। पहले तो वो 4 स्टेजेस, दुनिया जिनमें भटक रही है पहले उनमें भटकना होगा, खूब समय गंवाना होगा, अपने अनुभव से सीखना होगा कि ये काम नहीं आते, उसके बाद ही अगली स्टेप उठती है साधु संगत। अब साधुओं की संगत में तलाशो, शायद कहीं कोई गुरु मिल जाए, फिर उन गुरुओं में खोजो कि सच्चा सद्गुरु कौन है। और उसकी पहचान का उपाय ये है कि सच्चा सद्गुरु जो कह रहा है करने के लिए, उसको निष्ठापूर्वक करो, करने के बाद ही पता चलेगा उसने जो कहा वो ठीक कहा कि नहीं कहा। अगर मैं आपसे कहता हूँ कल्याण जाने का रास्ता ऐसा ऐसा है कि यहाँ से वहाँ जाना, फिर दाहिनी तरफ मुड़ना, फिर वहाँ एक ये बिल्डिंग पड़ेगी, फिर वहाँ से बाएं मुड़ जाना, आधा फल्लांग बाद एक चौराहा आएगा, फिर वहाँ एक कुआं दिखाई देगा, वहाँ एक बरगद का वृक्ष है, वहाँ से दाहिने मुड़ जाना। अगर मैं आपको एक नक्शा बना के देता हूँ कल्याण पहुँचने का रास्ता ये है, और आप उस नक्शे को लेकर चलते हैं, अगर वही चिन्ह मिलते हैं जो मैंने बताए थे, जैसा मैंने कहा था, तो आप आश्वस्त हो जाएंगे कि नक्शा ठीक है। और अगर थोड़ा बहुत चल के ही आपको पता चला कि अरे नक्शे में जैसा लिखा था वैसा तो कुछ मिला ही नहीं, कहा था कि एक स्कूल की बिल्डिंग मिलेगी, उसका तो कहीं अता पता नहीं, और फिर कहा था कि बाएं मुड़ने पे वो कुआं होगा, एक वृक्ष होगा, वो भी कहीं नहीं दिख रहा, इसका मतलब वो नक्शा ही झूठा था। और शक पैदा होगा कि जिससे हमने नक्शा पूछा था शायद वो भी कल्याण के मार्ग पर अभी तक चला है कि नहीं, ये भी शंकास्पद है, हो सकता है वो खुद ही ना गया हो, उसकी बात झूठ निकली। लेकिन यह भी आपको चलकर ही पता चलेगा, घर बैठे बैठे पता नहीं चलेगा। घर बैठ के आप नक्शे की पूजा करने लगो, इससे आपको कुछ अंदाज ही नहीं लगेगा कि नक्शा सही है कि गलत। तो सद्गुरु की खोज में शिष्य को यह करना होगा, ईमानदारी से वह करो, पूर्णता से जो गुरु कह रहा है, पूरे समर्पण भाव से करो, करने के बाद ही सिद्ध होगा, जो परिणाम आए उनसे पता चलेगा कि गुरु ने जो कहा था वो ठीक कहा था कि गलत कहा था। तो सद्गुरु की पहचान कठिन क्रिया है, इतनी आसान बात नहीं है जितना हम समझते हैं। कोई घर घर गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में और हर गांव कस्बे में सद्गुरु बैठे भी नहीं हैं, सब जगह झूठ का जाल फैला हुआ है। तलाशना होगा, मेहनत करनी होगी। और मैं आपको गुरु के लक्षण नहीं बता रहा हूं कि गुरु कैसा होता है, क्योंकि हर गुरु अपने ढंग का नया होता है, वो पुराने किसी से मिलता जुलता नहीं, इसलिए गुरु की परिभाषा नहीं बता रहा कि गुरु कैसा होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको शिष्य कैसा होना है। शिष्य होना है पूर्ण समर्पण भाव वाला, पूरे निष्ठापूर्वक ईमानदारी से श्रम करने वाला, साधना करने वाला, गुरु के कहे पर चलने वाला,
ये कसौटी बनेगी गुरु की पहचान की। तो निश्चित ही सदगुरु की पहचान में कुछ भटकाव भी होंगे, कुछ उलझाव भी होंगे, कुछ मिथ्या और झूठे गुरुओं से मुलाकात भी होगी, कुछ साल इसमें भी बर्बाद होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा धीरे धीरे आपकी बुद्धिमत्ता भी बढ़ेगी, आपके भीतर विवेक और प्रज्ञा भी विकसित होगी। और एक दिन आएगा जब गुरु और शिष्य का मिलन होता है, सचमुच में होता है। ये कठिनाई तो शिष्य की तरफ से हुई, अब दूसरी कठिनाई आपको बताता हूं गुरु की तरफ से। वे लोग जिन्होंने परमात्मा को जान लिया उनकी गिनती ही बहुत कम, यदा कदा कभी होते हैं, अंगुलियों पर उनके नाम गिने जा सकते हैं, इतिहास में कुल इतने लोग हुए हैं। उन परमात्मा को जानने वालों में से भी फिर दो प्रकार के हैं। भगवान बुद्ध कहा करते थे कुछ ज्ञानी अरहत किस्म के हैं, कुछ ज्ञानी बोधिसत्व किस्म के हैं। अरहत अर्थात वे जिन्होंने भगवान को पा तो लिया किंतु वे उस परम आनंद में ऐसे लीन हो गए कि उन्हें संसार की सुधबुद्ध ही ना रही, वे अपने भीतर लौलीन हो गए, उन्हें फिर याद ही ना आई कि दुनिया में और लाखों लोग हैं जो दुख में और कष्ट में भटक रहे हैं, कि उनकी मदद करनी है। बा मुश्किल तो परमानंद मिला, सैकड़ों सैकड़ों जन्मों की खोज के बाद। उस खोज के बाद किसको याद आएगी, दूसरों की। तो एक बड़ा वर्ग परमात्म ज्ञानियों का वो है जो भीतर के ब्रह्म ज्ञान में उस परम आनंद में लौलीन हो गए, फिर उन्हें कुछ सुध बुध ना रही संसार की, अन्य लोगों की याद ही ना आई। भगवान बुद्ध कहा करते थे उन्हें अरिहत, हत का मतलब होता है हत्यारा, अरी का मतलब होता है शत्रु, जिसने अपने भीतर के शत्रुओं का नाश कर दिया, अज्ञान का, मूर्छा का, अहंकार का, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष इत्यादि, ये जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं शत्रुपु, इसकी जिसने हत्या कर दी उसे कहते हैं अरिहत। जैन टर्मिनोलॉजी में अरिहंत कहते हैं शत्रुओं का हंता हत्यारा, बौद्ध शब्दावली में अरहत कहते हैं। तो बड़ा वर्ग तो ब्रह्मज्ञानियों का ऐसा होता है जिनके बारे में हमें कभी खबर ही नहीं मिलेगी, क्योंकि वे कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं। मौन में डूबकर उन्होंने वह नाम ज्ञान पाया है, अब उस ओंकार में वे ऐसे लौलीन हो गए, उस संगीत में ऐसे खो गए, अब कौन बोले, कौन लोगों से जाके मिले, कौन उन्हें समझाए, वे चुप ही रह जाते, उनका कभी पता ही नहीं चलता। दूसरा छोटा सा वर्ग है ब्रह्मज्ञानियों का जिन्हें कहा जाता है बोधिसत्व, बुद्ध की भाषा में बोधिसत्व का अर्थ है जिन्होंने परम बोध को पाया और बड़ी करुणा से ओतप्रोत थे ये लोग, इन्होंने आके संसार के लोगों को बांटा, समझाया, समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि मुझे कैसे मिला। अब इनके साथ एक मुश्किल खड़ी होती है, जब ये बताने जाते हैं कि मुझे कैसे मिला, अन्य लोगों को ऐसा लगता है कि परंपरा के खिलाफ क्रांतिकारी बातें कर रहे हैं, ये रूढ़ियों के खिलाफ हैं, और समाज इनको विद्रोही और दुश्मन की भांति देखता है। वो जो तथाकथित धर्मगुरु बन के बैठे हैं मठों में आश्रमों में, वे नाराज हो जाते हैं। उनको लगता है कि जैसे उनके व्यवसाय के साथ कोई कंपटीशन करने, प्रतियोगिता करने आ गया। सत्य बात बोलने वाला व्यक्ति को हजम करना बहुत मुश्किल है। हमारा पूरा समाज झूठा है और हम